भाई साहब ये मोटर लेके आया हूँ मैं जरा तुमसे। एक मिनट रुको भाई। हाँ जी, अब बताओ क्या दिक्कत है? ये मोटर में दिक्कत ये आ रही है कि रिक्शे में चल लगने के बाद इसमें चाबी हथौड़ी आ रही है और चाबी हथौड़ी पे चल रही है और चाबी हथौड़ी बंद होने के बाद ये बंद हो रही है। कहाँ से आए हो आप? मैं देहरादून से आया हूँ। तो देहरादून में मिस्त्री नहीं है? देहरादून के सभी मिस्त्रियों ने ये बोल दिया कि सही नहीं होगी। नई कितने की बताई मोटर? नई 38,000 रुपये की। 38,000 रुपये की? चलो ठीक है, फिर भाई साहब देखते हैं आपकी मोटर। सो हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे महिंद्रा की 48 वोल्ट 3000 वाट की मोटर के बारे में। बहुत ही शानदार और जानदार मोटर है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इसके अंदर एक ही आती है, इसके अंदर जो सेंसर लगे हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट के सेंसर ऑपरेट होते हैं। जो इसका कंट्रोलर है वो 12 वोल्ट सेंसरों को देता है, और हमारी मार्केट में 5 वोल्ट के सेंसर मिलते हैं जो नॉर्मल मोटरों में चलते हैं। नॉर्मल कंट्रोलर मोटर को 5 वोल्ट देता है, और इसका जो कंट्रोलर अपना कंट्रोलर है वो 12 वोल्ट मोटर को देता है। तो इसके सेंसर हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, मैंने कोलकाता से ऑर्डर पे मंगाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर सेंसर कौन सी क्वालिटी के निकलते हैं, कौन से नंबर के निकलते हैं, और किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको खोल रहा हूँ, और खोलने के बाद मैं आपको इसकी सेंसर प्लेट दिखाऊंगा कि सेंसर प्लेट इसकी कहाँ लगी है। और इसमें डबल मैग्नेट भी लगा है, ये आप देख सकते हो इसकी सेंसर प्लेट है। और सेंसर प्लेट ओपन होने के बाद इसके अंदर एक छोटे वाला मैग्नेट भी लगा है, जिस मैग्नेट पे ये सेंसर प्लेट काम करती है। तो फाइनली हमारे सारे नट बोल्ट खुल चुके हैं। इसके बाद मैं इसकी पीसीबी को ओपन करता हूँ, सेंसर की पीसीबी को। इसके साथ एक सेंसर लगा है, अगर ये ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये कट मार देता है, सेंसर मोटर को बंद कर देता है। ये हमारी पीसीबी है सेंसर की, इसमें 3 सेंसर लगे हैं 12 वोल्ट के, जिसका नंबर है Y3460, और ये यहाँ पे एक एक करके ग्राउंड हुए हैं। इसको मैं 1 by 1 करके बाहर निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये रिपेयर किए जा सकते हैं। और ये इसकी मैग्नेट है जिस पे ये ऑपरेट होते हैं सेंसर। अब आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इनको सेंसरों को बाहर निकालूंगा और दूसरे सेंसर इसके अंदर लगाऊंगा, और उसके बाद आपको मोटर भी चला के दिखाऊंगा। ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सेंसर के नंबर चेक करेंगे, सेंसर का नंबर क्या है, और उसी के हिसाब से मैच करके सेंसर इसमें लगाएंगे। ये इसका सेंसर है, और सेंसर का जो नंबर निकला है Y3460 नंबर निकला है इसमें। इसके सेंसर भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ये तीसरा सेंसर भी इसका निकाल लेते हैं। इसकी तो लैग ही टूटी हुई है। सो गाइस, फाइनली सेंसर हमारे ओपन हो चुके हैं। इसमें थोड़े छोटे सेंसर हैं। अब इसकी पीसीबी के होल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें नए सेंसर लगाएंगे और आपको मोटर चला के भी दिखाएंगे। ये इसका सेंसर का साइज़ निकला है, इसी के अकॉर्डिंग मुझे 3 सेंसर कटिंग करने हैं। ये सेंसर मैं इस पर रख लेता हूँ, और इसी के लंबाई के हिसाब से मुझे ये सेंसर कट करना है। ये इसी के हिसाब का सेंसर हमारा बन चुका है। तो फाइनली तीनों सेंसर मुझे इसी के हिसाब के कट कर लेने हैं, जो कि मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इन तीनों सेंसरों को इसके अंदर लगाऊंगा। सेंसर को लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, इसको अभी पूरा परफेक्ट तरीके से आपको इसकी पिनों को रिसोल्ट नहीं करना है, हल्की फुल्की सी रिसोल्ट करनी है एक पिन को, क्योंकि जब आप इसको प्लास्टिक की बॉडी में कनेक्ट करोगे उसके बाद एडजस्टिंग करने के बाद इसको रिसोल्ट करना है, जैसे कि मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। इसमें ये दूसरा सेंसर मैं लगा देता हूँ इसमें,
और इसकी भी एक पिन हल्की सी रिसोल्ड कर लूँगा ताकि ये खुद ही निकल के ना गिरे। सिर्फ हल्की सी आपको सोल्डरिंग करनी है। और ये तीसरा सेंसर भी मैं इसमें लगा देता हूँ। इसकी भी एक ही पिन को मैं रिसोल्ड करूँगा और प्रॉपर रिसोल्ड इसकी फिटिंग करने के बाद करूँगा। तो तीनों सेंसर हमारे अभी टेम्परेरी लग चुके हैं। इसको परमानेंट जब मैं रिसोल्ड करूँगा तो इस प्लेट के कनेक्ट करने के बाद रिसोल्ड करूँगा। इस पर पहले मैं देख लेता हूँ कि मैग्नेट कितना एडजस्टेबल हो सकता है। अब इसको मैं इसमें फ़िक्स कर देता हूँ। ये फिक्स हमारे सेंसर बोर्ड हो चुका है। आपको ध्यान ये रखना है सेंसर फिटिंग करते टाइम सेंसर नीचे की तरफ रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रॉपर्ली इसके साइज़ की हो जाए, इससे बाहर नहीं आने चाहिए। अब मैग्नेट लगा के मैं देख लेता हूँ कि वो बाहर तो नहीं है सेंसर, तो हमारी मैग्नेट भी अच्छी तरीके से घूम रही है। अब मैं इसको पक्की रिसोल्ड कर लेता हूँ। सो गाइस, मोटर बहुत जानदार है और शानदार है। दिक्कत सिर्फ इसके अंदर ये कि ये आ रही है कि इसके जो सेंसर हैं वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। इसके जो सेंसर हैं मैंने कोलकाता से मंगाए हैं। इसके अंदर 12 वोल्ट के सेंसर काम करते हैं क्योंकि इसका जो कंट्रोलर है उसकी जो सेंसर वाली वायर है वो 12 वोल्ट ऑपरेट करती है और नॉर्मल कंट्रोलर 5 वोल्ट पे काम करता है। 5 वोल्ट वाले सेंसर इसमें काम नहीं करेंगे। फाइनली हमारा एक सेंसर रिसोल्ड हो चुका है। अब दूसरा सेंसर रिसोल्ड करूँगा। ये फर्स्ट पिन है, ये सेकंड पिन है और ये इसकी थर्ड पिन। ये तीनों पिन इसकी रिसोल्ट हो चुकी है। अब रह चुका है इसमें तीसरा सेंसर, उसको भी मैं इसी तरीके से रिसोल्ट करूँगा। ये तीनों सेंसर हमारे रिसोल्ट हो चुके हैं। तो देख सकते हो आप सेंसर की फिटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। ये हल्का सा नीचे रह जाएगा सेंसर, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी मोटर, लेकिन ये बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसको बाहर निकाल दिया तो ये रगड़ा खा के ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो फाइनली एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं हमारे सेंसर प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अभी हमारा मल्टीमीटर बताएगा। मल्टीमीटर की रेड पिन को हमें ब्लैक पे रखनी है और ब्लैक से हमें सेंसर की पिन चेक करनी है। पहला सेंसर हमारा ओके बता रहा है, दूसरा सेंसर भी लगभग ओके ही आ रहा है और तीसरा सेंसर भी हमारा ओके आ रहा है। तो इसका मतलब यह है सेंसर हमारे प्रॉपर्ली लग चुके हैं। अब थोड़ी सी मोटर को वॉश कर लेते हैं पेट्रोल से, क्योंकि इसके अंदर पानी गया था और पानी का हल सिर्फ पेट्रोल ही है, पेट्रोल या थिनर। या तो आप थिनर से वॉश कर सकते हो या पेट्रोल से। तो मैं इसको पेट्रोल से अच्छी तरीके से मोटर को वॉश कर लेता हूँ और वॉश करने के बाद इसको SMD से हॉट एयर गन से इसको थोड़ा सा मैं सुखा भी लूँगा ताकि ये जल्दी से सूख जाए और मैं इसको जल्दी फटाफट बांध दूँगा और बांधने के बाद आपको चला के भी दिखाऊँगा। सो गाइस, अब इसकी फिटिंग करना हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप मैग्नेट, सबसे पहले हमें मैग्नेट को इसके अंदर फिट करना है। तो तेरी की क्या मैग्नेट था, वाकई क्या जान है इस मोटर के अंदर। 3000 वाट की मोटर है, पहाड़ों के मतलब की मोटर है ये। इस ई रिक्शा को हम पहाड़ों में चला सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। ना ये लोड मानेगी ना ही किसी तरीके की ये हीट हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मोटर का।
तो सबसे पहले से सामने से फिटिंग करना इसकी शुरू करते हैं। इसका जो फ्रंट कवर है उसको पहले हम फिट कर लेते हैं। यह फ्रंट कवर हमारा पूरी तरीके से फिट एंड स्ट्रांग हो चुका है। अब इसको बैक करके रखते हैं और बैक से इसके सेंसर वगैरह लगाने शुरू करेंगे। उससे पहले इसका बैक कवर गम से चिपका लेंगे ताकि इसमें दोबारा से पानी जाने की गुंजाइश बहुत कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए। सो गाइस, प्रॉपरली गम मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसमें बैक कवर में लगाऊंगा। ये जो इस पे आप निशान देख रहे हैं ये मेन डोरी के सामने रहना चाहिए। जब मेन डोरी सामने रहेगी तो सेंसर की डोरी भी आपको वहीं पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बोल्ट लगा लेते हैं। बोल्ट लगा के इसकी फिटिंग कर लेते हैं और फिटिंग करने के बाद इसकी मैग्नेट की कटोरी लगाएंगे। सो बैक कवर भी हमारा फिट हो चुका है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इसके अंदर मैग्नेट कटोरी, जिस मैग्नेट पे सेंसर हमारे काम करते हैं। इसकी फिटिंग को बिठाना ही इसमें मेन चीज़ है। हमारी मैग्नेट कटोरी भी अच्छी तरीके से लग चुकी है। इसको थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब इसमें सेंसर लगाने के बाद इसको एक बार घुमा के देखते हैं। अभी भी थोड़ी सी कटोरी हम इसकी और नीचे लेके जाएंगे। अब देखते हैं क्या फिटिंग आती है इसकी। इस मोटर को खोलने से पहले आपको फ्रंट कवर पे और बैक कवर पे और इसके सेंसर के कवर पे कुछ इस तरीके से टिक लगाने हैं, जो आपको बांधते टाइम आपको आमने सामने मैच करके लगाने पड़ेंगे। अगर आप इसकी फिटिंग आउट कर देते हैं तो भी ये मोटर नहीं चलेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर पार्ट है। अगर आप इसको निशान लगा के खोलते हैं और निशान लगा के ही इसको आप फिट करते हैं तो ये चलेगी, नहीं तो ये आपसे एडजस्टिंग इसकी बहुत मुश्किल हो जाएगी चलनी। ये बारो बार तो चल जाएगी, जब आप इसको रिक्शा में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये या तो लोड नहीं उठाएगी या झटका लेके चलेगी या स्पीड कम आएगी इसकी। तो ये हमारी सेंसर
कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और ये यहाँ पे लीड भी मैं इसकी लगा देता हूँ, और उसके बाद इसको एक बार हम चला के देखेंगे मोटर चलती है या अभी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मोटर हमारी चल चुकी है, इसकी एडजस्टिंग मैं कर लेता हूँ। एडजस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोटर में जहाँ पे हाईएस्ट स्पीड आएगी वहीं पे आपको इसे सेट करना है, और जहाँ पे थोड़ी सी कम या अजीबोगरीब आवाज़ निकालती है तो इसको वहाँ पे आपको सेट बिल्कुल भी नहीं करना है, वहाँ पे नहीं चलेगी। जहाँ पे इसकी प्रॉपरली स्पीड आएगी, हाईएस्ट स्पीड आएगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्पीड आएगी वहीं पे आपको इसको सेट करना है। मेन फंडा इस मोटर के अंदर यही है, अगर आप पे इसको सेट करनी आ गई तो ये मोटर आपसे चल जाएगी, और अगर आपसे ये सेट नहीं हुई तो ये आपसे नहीं चलेगी। ये आप समझ सकते हैं एक तरीके की टाइमिंग है, अगर ये टाइमिंग आउट हो गई तो ये काम नहीं करेगी मोटर। अगर आपने इसकी कंपनी के अकॉर्डिंग टाइमिंग लगा दी तो ये मोटर घूमना शुरू हो जाएगी। तो जो इसकी कंपनी की टाइमिंग थी उसी टाइमिंग को मैंने सेट कर दिया है, अब इसको मैं चलाता हूँ। आपको फुल स्पीड पे चला के दिखाऊंगा। ये दो पेच लगा लूँ मैं इसके अंदर, वो एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली इसलिए चल रही है क्योंकि मेरा एक्सीलेटर का स्प्रिंग टूट चुका है, उसे जहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ वहीं पे सेट हो जाता है। अब आप देख सकते हो ये फुल स्पीड में आ रही है, इस टाइम इसकी अपनी फुल स्पीड है ये, और किसी तरीके की इसके अंदर कोई और आवाज़ नहीं है, ये इसकी अपनी नॉर्मल आवाज़ है। थोड़ी बहुत आवाज़ है वो इसके अंदर जो है, जो इसकी हमने मैग्नेट लगाई है, मैग्नेट थोड़ी सी एडजस्टिंग अभी इसकी और नीचे जानी है। अब इस मोटर को मैं कंप्लीट करने के बाद एक बार ऑटो रिक्शा में लगा के देखता हूँ और उसके कनेक्शन करूँगा, कनेक्शन भी आपको दिखाऊँगा, फिर ई रिक्शा भी चला के दिखाऊँगा। ये बैक कवर हमारा आ चुका है, और बैक कवर लगाने के बाद इसके तीनों पेच लगा दूँगा। सो बैक कवर की भी फिटिंग हमारी हो चुकी है, अब इसको एक बार मैं चला के देखता हूँ, इसमें किसी तरीके की कोई आवाज़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बैक कवर में एक सील लगी है, अगर वो सील ठीक तरीके से नहीं बैठेगी तो ये आवाज़ करेगी। जब ये बैक कवर सही तरीके से लग जाएगा तो इसके अंदर कोई आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ मोटर की आवाज़ आएगी। तो इसमें कोई आवाज़ नहीं बनी है, प्रॉपरली चल चुकी है। सो फ्रंट फिटिंग हमारी हो चुकी है, अब इसको एक बार रिक्शा की तरफ चलते हैं और इस रिक्शा में लगा के देखते हैं किस तरीके से ये चल रही है। सो फाइनली गाइस हम आ गए हैं रिक्शा के पास, जिस रिक्शा की ये मोटर है, और ये वो मुल्ला जी हैं जो मोटर हमारे पास लेकर आए थे। अब इसके बाद इसको मैं एक बार एडजस्टिंग इसके कंट्रोलर के हिसाब से कर लेता हूँ, और उसके बाद मोटर को हम ई रिक्शा में लगाएंगे और फिर इसकी टेस्ट ड्राइविंग चेक करेंगे। सो फाइनली मोटर तो हमारी स्पीड से चल रही है, झटका वटका बस देखना ही है, ई रिक्शा में कनेक्ट करते हैं और फिर ई रिक्शा को चला के देखेंगे। सो फाइनली इसकी मोटर के कनेक्शन ऊपर कंट्रोलर की थ्रेड निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको कनेक्ट करने के बाद बस टेस्ट ड्राइव शुरू करेंगे इसकी। तो यहाँ पे आ गए हैं इसके मोटर के कनेक्शन, और इसको हम इस कंट्रोलर में कनेक्ट कर देंगे। पहले लगा लेते हैं रेड वायर, उसके बाद लगाएंगे येलो, और इस येलो के बाद लगा देंगे ब्लू वायर। अब लगा देते हैं इसके अंदर सेंसर को, कनेक्ट कर देते हैं कंट्रोलर से। ये हो गया कनेक्ट, अब लगा देते हैं इसका फ्यूज़, और फ्यूज़ के बाद में फ्यूज़ का एक कवर है, और कवर लगाने के बाद इसका कट हटाने के बाद चलते हैं टेस्ट ड्राइव की तरफ।
सो फाइनली गाइस अब चलते हैं ई रिक्शा की टेस्ट ड्राइव पर, देखते हैं ई रिक्शा हमारी कैसी चल रही है। तो पहलवान साहब लेके चलो ज़रा, आप दिखाओ किस तरीके से आपकी ई रिक्शा चल रही है, झटका लेके चल रही है, नॉर्मल तरीके से चल रही है। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हमारी महिंद्रा रिक्शा स्टार्ट हो चुकी है और ये इसको आगे लेके जा रहे हैं। अच्छी लगी आप तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं।